बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि आज ईद मुबारक का दिन है, तो ईद उल फितर है। आज 3 मई बरोज़ बुध मंगल 2022 को ईद है। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी चलते हैं जी मस्जिद में ईद नमाज अदा करने के लिए। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो ईद का वक्त मुकर्रर है वो दिन के 9 बजे का है। तो आप सभी दोस्तों ने बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप जो इलाके में या अपने इलाके का जो नाम बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि किस किस टाइम ईद नमाज पढ़ी गई है। फ्रेंड्स, अभी ईद नमाज पढ़ने के बाद वापस आ चुके हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों और आपके रिश्तेदारों को, बहन भाइयों, दोस्तों को, सभी को ईद मुबारक। तो अभी इस ईद मुबारक का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में खैर मुबारक लिख कर देना है। तो आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ईद नमाज पढ़ने के बाद अब तैयारी हो चुकी है, खाना खाया है, तो कुछ देर घर में आराम किया, रेस्ट किया। तो अभी तकरीबन जो टाइम है वो 2 बजे के करीब हो चला है। तो अभी मैं आपको जाकर आउटफॉल में चलता हूँ, वहाँ पर दिखाता हूँ वो आउटफॉल जो है।
का मुकाम भी है, तो ईद के मौके पर संडे के मौके पर लोग वहाँ पर तफरी के लिए आते हैं। तो अभी चलते हैं। और कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि हमें वो मकाम जो मैंने देखी है दरिया सतलुज में, तो अभी जी चलते हैं, मैं आपको साथ साथ में दिखाता हूँ वो भी। और ईद का जो आगे का ईद का दिन आज हम ऐसे ही सैर व तफरी में गुजारेंगे, ईद का जो दिन आज का है, तो अभी चलें तो आपको दिखाते हैं।
फ्रेंड्स, काफ़ी सफ़र तय करने के बाद मैं अपने डेस्टिनेशन पर हम पहुँचे हैं। तो अभी आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दरियाए सतलुज का वो मंजर है। ये देखें, ये यहाँ से ये दरियाए सतलुज में गिर रही है और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ये जो है ये पीछे से आ रही है, लिंक कनाल आ रही है। तो ये पक्की लिंक कनाल है। तो अभी मैं आपको आगे चलकर भी दिखाता हूँ कि दूसरी साथ वाली जो लिंक कनाल है। तो अभी एक दफ़ा आप इसका मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ जी। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये पीछे आ रही है, यहाँ से ये दरिया सतलुज में इंटर कर रही है। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा दरिया सतलुज जा रहा है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो लोग खड़े हैं इसके पीछे, वो देखें यहाँ पर है जो दूसरी गिर रही है इसके अंदर है। तो अभी मैं आपको नीचे चल के भी दिखाता हूँ जी। माशाल्लाह से काफ़ी फैमिलीज आई हुई हैं, या आप देख सकते हैं यहाँ तक काफ़ी दूर दूर तक। कैमरा शायद नहीं देख रहा होगा, मैं फिर भी आपको जूम कर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर भी लोग बैठे हैं, यहाँ पर भी काफ़ी दूर दूर तक लोग बैठे हैं। तो देखें कितना खौफनाक मंजर है, वो देखें वहाँ पर भी लोग आए हुए हैं। वो देखें, वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, इससे भी दूर है लोग आए हुए हैं। तो ये है जी दरियाए सतलुज। ये यहाँ पर जो है जो दरियाए चनाब का जो पानी है रावी में इंटर होता है, रावी में इंटर होने के बाद जो लिंक कनाल्स के ज़रिए यहाँ पर दरिया सतलुज में ये देखिए शामिल हो जाता है। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से फैमिलीज आई हुई हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको जाकर दूसरी लिंक कनाल दिखाता हूँ और इसके ऊपर जाकर भी दिखाता हूँ। देखें फ्रेंड्स, काफ़ी ख़तरनाक मनाजर है ये। पानी ही पानी है नीचे, ये भी फ्रेंड्स, ये कच्ची किनार जो है ये आ रही है। ये देखें, ये दरिया सतलुज में जा रही है, वहाँ पर ये कश्तियाँ खड़ी हैं, लोग इस पे सवार होते हैं। तो अभी ये देखें, काफ़ी दूर 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 तक ये आपको दरिया सतलुज ही नज़र आ रहा होगा। ये देखें यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा खौफनाक मंजर है जी फ्रेंड्स। वो देखें, काफ़ी इतनी दूर दूर तक लोग जो हैं वो आ रहे हैं। कितना खौफनाक मंजर है ये देखें। मैं
हेड्स के ऊपर हूँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दरिया सतलुज का मनाजर है। ये देखें तो ये मेरे पीछे ये नहर आ रही है, ये देखें। तो अभी मैं इस हेड के ऊपर हूँ, तो अभी मैं आपको एक और डेस्टिनेशन आगे दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज आई हुई हैं। ये देखें अभी और लोग आ रहे हैं। वैसे अभी जो है पानी कम है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी आई नहीं है जिस वजह से पानी कम है। तो पर इस जब तक पानी होता है, फुल होता है ना काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर जो लोग फिर रहे हैं यहाँ तक पानी होता है यहाँ बराबर। अभी ये जो कश्तियाँ ये नीचे हैं, ये देखें, ये तब भी ये सभी जो दरिया है सतलुज का इलाका है। कुछ वक़्त हुआ करता था कि यहाँ तक जो है, यहाँ तक ये सभी जो हैं इसके ऊपर तक यहाँ तक दरिया सतलुज बहता था। ये देखें, यहीं जहाँ भी नज़र दौड़ाते थे पानी पानी नज़र आता था। ये देखें आइए
फ्रेंड्स मैं अभी जा रहा था तो एक चीज़ मैंने देखी है वो मैं अभी आपको भी दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने उसे बाहर से तो देखा है होगा लेकिन अंदर जो है शायद ही किसी ने देखा होगा, तो अभी मैं चलता हूं आपको अंदर से दिखाता हूं, तो शायद आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा वो देखें वो जिसे आम तौर पर हम पंजाबी ज़बान में जो है वो कहते हैं कि मोर्चा, जिसमें एक दो फौजी तैनात होते हैं, जैसे जो दुश्मन का हमला होता है तो वो उसमें जो निशाना साफ कर रहे हैं, जो अपने जो मुल्क की हिफाजत करते हैं। तो अभी मैं आपको चलता हूँ वो दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड्स आउटफॉल से जो मेरे पीछे आप रोड देख रहे हैं, ये रोड जाता है, ये हैड सुलेमान की पर जाता है।